हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री गणेशाय नमः। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सुबह का वक्त और मैं लगी हुई हूँ मेरे किचन में, क्योंकि शाम का वक्त तो चला जाता है पूरा शॉप के जो भी प्रिपरेशंस है उसमें, क्योंकि अब वक्त ही नहीं बचा है। सिर्फ आज का दिन है और कल है ओपनिंग, तो जो आपको कल का व्लॉग मिलने वाला है वो ओपनिंग का ही व्लॉग मिलने वाला है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं ना किचन में सबसे पहले ना सुबह में आके ना पहले एक बार हल्का सा कपड़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी होती है ना, कहते हैं किचन साफ़ करके काम करना चाहिए। और नीचे से दूध भी आ चुका है तो इसको भी मुझे गर्म करना है। एंड कल के व्लॉग में मैंने पूछा था कि भैया आप गेस कीजिए क्या बिज़नेस हो सकता है, तो अमन कौर ने लिखा है आई थिंक रुचि आप फूड रिलेटेड ही कुछ करोगे, जिसमें रेडी टू ईट स्नैक वगैरह, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह होगा, पैटीज़ वगैरह होगा, और आप जो बिज़नेस करने वाले हो वो कपड़े का करने वाले हो। तो आपका एक अंदाज़ा तो बिल्कुल ठीक निकला कि जी हाँ, मैं जो मेरा बिज़नेस शुरू कर रही हूँ वो क्लोदिंग बिज़नेस प्लस थोड़े से एसेसरीज़, मतलब आप अप्रॉक्सीमेट आपने 90% सही बताया। कुछ एसेसरीज़ भी रखने वाली हूँ, मेन एसेसरी एंड विमेन एसेसरीज़। तो जी हाँ, मैं वही बिज़नेस शुरू करने वाली हूँ बहुत जल्द ऑनलाइन। और विवेक का बिज़नेस आप थोड़ा बहुत पास हो लेकिन पूरी तरह से करेक्ट नहीं हो। एंड इसके अलावा किसी ने मुझे ऐसा भी पूछा है, सौरा दीप जी ने, कि जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वांटेड टू नो दैट विवेक हैज़ लीगली अडॉप्टेड प्रिशा और नॉट, हुज नेम शी यूजेज इन हर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, रेनू करके किसी ने पूछा है। तो देखिए, ये चीज़ ऐसी है ना, ये चीज़ पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही हमारा पर्सनल मैटर हो जाता है। और अब इतने साल से प्रिशा जिसके साथ रह रही है वही उसके फादर हुए ना, वही टेक केयर कर रहे हैं। अगले ने तो नाम भी नहीं लिया है कभी, तो उनकी तो बात ही करनी बेकार है। बाकी आपके इस कमेंट का मैं रिप्लाई किसी वीडियो को बना के ज़रूर दे दूँगी, तो आप वेट कर लीजिएगा। रेनू जी, मैंने इसको नेगेटिव कमेंट की तरह बिल्कुल नहीं लिया है, बहुत जल्द मैं आपको इस चीज़ का रिप्लाई करूँगी डियर। इसके अलावा सभी ने ऑल द बेस्ट लिखा है, थैंक यू सो मच। और सभी ने गैस ज़्यादा करके यही किया है कि फ़ूड रिलेटेड बिज़नेस है, तो जी हाँ, काफ़ी हद तक ये फ़ूड रिलेटेड बिज़नेस ही है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, चाय में मैंने इलायची भी डाली है, मसाला भी डाला है, सब कुछ डाल के एक बढ़िया वाली चाय बना रही हूँ। और आज हमें शाम को शॉप पे जाना है, जो भी काम है, मतलब वो रात को चाहे हम 12 बजे तक शॉप पे लगे रहें लेकिन कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, क्योंकि अब सिर्फ आज की रात है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं है। ये शॉप का सामान भी आप सामने देख रहे हो, डस्टबिन वगैरह, ये भी सारा आज रात तक शॉप पर पहुँच जाएगा। अबू लेट के ब्रश, नया वाला ब्रश, नए टाइप ऑफ ब्रश, लेट के ब्रशिंग हो रही है टीथ्स की। देखिए कितना नया सा चीज़ आज मैंने आपको सुबह सुबह दिखा दिया। यहाँ पे कभी कभी हमारे बच्चे लेट के भी ब्रश कर सकते हैं, मतलब लेट के ब्रश करना दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कह सकते हैं। चाय पी के जा रहे हैं काम से बाहर, और नाश्ते में आज कुछ भी नहीं है और कुछ बनाने का मूड भी नहीं है, तो फिर रात की जो रोटी है ना उनको मैं गर्म कर दूंगी, दो चार है, विवेक का काम हो जाएगा, और थोड़ा बहुत चिवड़ा वगैरह है वो चल जाएगा। सुबह का रूटीन जैसे हर एक औरत का निकलता है ना, कहाँ सुबह से दोपहर होती है ऐसे मुझे भी पता नहीं चलता। और आजकल ना ये अपने बालों को लेके बड़ा कॉन्शियस हो गया है, ज़्यादा करके अपने बाल जो है वो सेट करता रहता है। इसके बाल एक्चुअली काफ़ी बड़े हो गए हैं, मुझे हेयर कट लेना पड़ेगा इसका, कि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं यहाँ पर, पूरा समर चल रहा है और सभी के यहाँ इस वक्त तो समर ही चल रहा होगा। तो मैंने एक साइड पर मेरी चाय बन रही है, चाय बनाते बनाते हल्की गैस करके मैं आ गई हूँ, थोड़े बिस्तरे वगैरह ले लेती हूँ। रोज़ मेरा ऐसे ही रूटीन चलता है, चाय का बर्तन रख के मैं इसी तरह से आके ये कपड़े वगैरह तह लगा लेती हूँ, बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ। और चाय नाश्ता हो चुका है अब हमारा, और इसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट खाना बनाने। वैसे तो रोज़ ही मेरा रूटीन ये रहता है लेकिन आजकल सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह काम करने लगी हूँ, क्योंकि खाना जल्दी से बनता है ना, जब सुबह से रूटीन जल्दी चलता है तब कहीं जाके हमें एडिटिंग वगैरह से फुर्सत निकाल के थोड़ा बहुत शॉप के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि काम काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं। जब तक कल ओपनिंग नहीं होगा वहाँ तक थोड़ा थोड़ा काम तो आपको पता है ख़त्म नहीं होने वाला है।
लोग कह रहे हैं आप बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, तो देखो ऐसा मत सोचो, कल के व्लॉग में आपको सब कुछ पता चलने ही वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड दाल चढ़ाई, एक साइड चावल चढ़ाए और अभी सब्ज़ी बनानी बाकी है। मैं इस रूम में आ गई। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना मेरे घर का क्लीनिंग चल रहा है, तो ये रूम अभी इनकम्प्लीट ही रह गया है। एक्चुअली हम लोग पूरा स्पीड में ही काम कर रहे थे, आपने देखा होगा कब से घर में सफाइयाँ चल रही हैं, पर बीच में ये सारे जो काम आ गए ना जो विवेक की दुकान वाले, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, बाहर जाना इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये काम बीच में अटक गया, जिस वजह से रूम मेरा कम्प्लीट नहीं हुआ है। ये मैंने अलमारी में से ना थोड़ा सा स्टफ़ निकाल के कल बेड पर डाला था, कल रात जैसे तैसे टाइम निकाल के मैंने तह लगाया था लेकिन फिर रखने का टाइम नहीं मिला था, तो यहीं आ गई हूँ मैं। और ये मेरा रेड कलर का ब्लाउज़ है सीक्वेंस वर्क वाला, तो आपको वही दिखा रही थी। चलो अभी बना लेते हैं खाना। तो ये मैं बना रही हूँ आज टिंडोड़े आलू की सब्ज़ी। तिंदोड़े जो होते हैं ना, गिलोरे, कुंदरू, ये तीन नाम होते हैं इसके। ये आलू के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो कैबेज मैंने कटी हुई दिखाई थी ना, वो मैं संभार के लिए कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये है अदरक लहसुन मिर्ची का मसाला, इसमें आज मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते और धनिया भी डलवा दिया भाभी से, थोड़ा सा टेस्ट डिफर लगेगा इसीलिए सब्ज़ी में। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है, हींग जीरा डाल दिया है, गिलोरे या कुंदरू आप जो भी बोलते हो, यहाँ तिंदोड़ा कहते हैं, इसकी सब्ज़ी आलू के साथ बहुत अच्छी लगती है। बस कुछ नहीं करना, सरसों का तेल या ऑयल लेके हींग जीरा डाल के ये वाला लहसुन अदरक हरी मिर्ची का मसाला और कड़ी पत्ता और हल्दी, बस इतना ही डालना होता है। ये बहुत कम मसालों से बनती है लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनती है गाइस, रोटी और दाल के साथ बहुत बढ़िया लगती है। आलू डाल दिए, इसके बाद आलू डाल के कुंदरू डाल दिए, नमक डाल देना है और बहुत ही थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये सब्ज़ी ना गलने में ज़रा देर लगाती है। कुछ लोग इसे कुकर में बनाते हैं बट कुकर में बहुत हलवे जैसी हो जाती है, मुझे हलवा सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मुझे ना सब्ज़ियाँ खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं, थोड़ी कच्ची पक्की सी मज़ा आता है खाने में। लेकिन ये तो खैर हम पूरा पकाएंगे, वो तो मैं कैबेज को कच्चा पक्का रखती हूँ, और इसके साथ बस वही कैबेज का संभार और वही छास यानी बटर मिल्क, सैलेड, रोटी, दाल, राइस, ये हमारा समर वाला फूड चल रहा है आजकल। तो बस इसमें अब मैंने पानी डाल लिया है, अब इसको हम ढक देंगे, बनने के बाद दिखाती हूँ। बीच बीच में चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और ये हो गई बन के तैयार, थोड़ा हरा धनिया डाल दिया। आप सोचेंगे सब्ज़ी कम लग रही है, तो हाँ मुझे भी कम लग रही है, मैंने बोला भी कि भाई क्यों इतनी कम लेके आए थे आप लोग, लेकिन साथ में कैबेज का संभार है ना तो चल जाएगा। तो चलिए अब सर्व करते हैं हमारी समर थाली दोपहर की, तो जिसमें है दो दो सब्जियाँ और साथ में है ये वही है जिसकी रेसिपी शेयर करी थी, और साथ में छास ऑब्वियसली, दाल, चावल। आजकल बटर मिल्क पीने का बड़ा मज़ा आता है, इनफैक्ट खाना खाने के बाद हम लोग पानी की जगह लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ बटर मिल्क पीते हैं। पानी को हम अवॉइड करते हैं आधे पौने घंटे तक, करना भी चाहिए, और बटर मिल्क आजकल पीना ही चाहिए, दही, बटर मिल्क, ये सब चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। आजकल दोपहर हो गई है, दोपहर क्या शाम ही हो गई है, 4:15 हो रहे हैं। ये लड़का देखो टैंक बना रहा है, आजकल गर्मियाँ हो गई है ना तो इसने टैंक पीना शुरू कर दिया है। बच्चे की छुट्टियाँ हो चुकी है, होशियार आदमी ने इसमें पलट दिया टैंक। कभी ऐसे पलटते हैं क्या बेटा, टैंक ऐसे थोड़ी पलटा जाता है, ये तो अलग से रखा जाता है पैकेट डब्बे में। ये हमारे सेठ जी होने वाले हैं आज, आज है ना, मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ आराम से। आज ना ही अपनी शॉप पे जो भी काम थोड़ा बहुत बाकी है ना वो सब कर रहे थे, तो मुझे बोले कि कितने सारे लोग आके मतलब ऑर्डर देने लगे थे, जो जिसका भी ये बिज़नेस, बोले बहुत सारे लोग आए थे लेने के लिए वो प्रोडक्ट जिसका ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं मुझे कहना पड़ा कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हैव पेशेंस, कल से स्टार्ट होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो अभी बिज़नेस भी शुरू नहीं हुआ है और अभी से लोग आने लगे, दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है ये। आई वॉज सो हैप्पी सुन के, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी शाम हो गई, मेरे को खाना वाना खाते, और बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी टिंडोड़े की आलू के साथ, इस तरह से आप भी बनाना, ट्राई करना। और वो कैबेज का जो संभार कहते हैं यहाँ पे, वो तो मैं आजकल रोज़ ही बनाती हूँ, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। कैबेज इस तरह से खानी बड़ी अच्छी होती है। अभी 4:27 एग्जैक्टली हुए हैं, एडिटिंग करके फिनिश किया है मैंने, सुबह से कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ मैं, क्योंकि शॉप की भी सब प्रिपरेशंस चल रही हैं। और प्रिशा गई है पुराने वाले घर पे भाभी के साथ, वो मुझे बोली कि मम्मी वहाँ पे थोड़ी सफाई करवा देते हैं, बहुत गंदा हो रहा था वो घर और हम लोग काफ़ी दिन से उसको क्लीन करने की सोच रहे थे, तो फाइनली आज प्रिशा चली गई है। मुझे बोली आप घर का देखो, मैं वहाँ का देखती हूँ। ये टैंक बना के लाया, टैंक इस वाले ग्लास में देते हैं बाबू, कांच के ग्लास में देते हैं ना बाबू, हाँ सोना। चलो मैं इसके साथ टैंग एंजॉय करती हूँ और आपको मिलती हूँ आराम से, अब जब हम शॉप पे जाएंगे या तो फिर कुछ और नया कुछ करेंगे पूरे शाम, तब मैं आपको शो करूँगी। और विवेक बैठ के टीवी देख रहे हैं, बस अभी निकलेंगे वो भी शॉप पे। परसों को मेरी साइकिल आ जाएगी। अपन तो उसके लिए एक्साइटेड है, वो जो आने वाली है साइकिल,
देखो धूप कितनी आ रही है रूम के अंदर, ये वाले कर्टन में ना मुझे ब्लैकआउट लगवाना है, ब्लैकआउट yes. लगवाना मैं भूल गई थी. सो यहाँ से बहुत सारी धूप आती है गर्मियों में, गर्मियाँ यहाँ बहुत जोर शोर से स्टार्ट हो चुकी है. गाइज अमेजन पे स्टार्ट हुई है अभी अभी बहुत ही अच्छी वाली सेल जिसका नाम है स्पोर्ट्स मेनिया सेल, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है, यानी 21st of April से लेकर 24th of April तक ये रहेगी सेल. इसके दरमियान आप बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारा डिस्काउंट ले सकते हो, स्पेशली स्पोर्ट्स मेनिया नाम है इसका तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स वाली कुछ चीज़ें हो. तो मैंने पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं मंगवाई. यस आई मीन टू से स्पोर्ट्स ब्रा मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया, मैंने मंगवाया है. मैं आपको दिखाती हूँ, बताना मुझे कैसी लग रही है. तो क्योंकि मुझे भी अब मेरी फिटनेस पे ध्यान देना है, मुझे थोड़ा सा अपना वेट लूज करना है, सो फॉर दैट रीज़न ये मैंने मंगवाया है. ये है क्लोविया ब्रांड से, दिस इज़ अ स्पोर्ट्स ब्रा, और क्लोविया का है तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छी वाली फिटिंग है इसकी. कैसी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है, और अमेजन से बाय किया मैंने सब कुछ क्योंकि अमेजन पे ही चल रही है सेल स्पोर्ट्स मेनिया, जो कि 21st अप्रैल से 24th अप्रैल तक रहने वाली है. तो इसमें आपको हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो आप चेक कर लेना, आपको कोई भी ऐसे स्पोर्ट वेयर या समथिंग कुछ भी चाहिए हो तो आप बाय कर सकते हो. कितना स्ट्रेचेबल है देखो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्पोर्ट्स ब्रा है ये, और क्लोविया की है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोविया लिखा हुआ है, तो क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात ही नहीं है. फिर इसके बाद में मैंने एक जॉकी का स्पोर्ट्स ब्रा लिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये ब्लैक कलर में मैंने लिया है क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ना मेरा वॉक वगैरह भी मैंने शुरू किया है, मैंने थोड़ा सा मेरा रूटीन जो है वो इम्प्रूव किया है गाइस. तो ये है जॉकी का स्पोर्ट्स ब्रा, और ये भी अगेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, सी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, आप देख रहे हो बैक साइड से ऐसे है जैसे कि स्पोर्ट्स ब्रा होती है, यहाँ पे जॉकी लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. स्पोर्ट्स ब्रा मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, आज से पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किए हैं. तो ये दो मंगवाए हैं, इसके बाद मैंने मंगवाई है पूमा की टी शर्ट, क्योंकि जब हम ऐसे वॉक वगैरह पे जाते हैं तो ऐसे टी शर्ट बहुत अच्छे लगते हैं. सॉरी आप बाहर के नॉइज़ को थोड़ा सा ये कीजिएगा इग्नोर. फर्स्ट टाइम मैंने पूमा का ऐसा टी शर्ट ट्राई किया है, तो ये है पूमा का टी शर्ट, और ये पहन के बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे किसी व्लॉग में देख लेना पहने हुए. क्वालिटी तो पूमा है तो फिर क्या ही कहना, आपको भी पता है पूमा की चीज़ें कितनी अच्छी होती है, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांड ऑफकोर्स, तो अच्छा ही होगा. आप यहाँ देख रहे हो कुछ है, तो ये बहुत अच्छी वाली चीज़ है, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ. ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो ये टी शर्ट अगर किसी को भी चाहिए, मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गई है, मुझे 400-500 के बीच में मिल गई थी. अभी आप फिलहाल नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगी, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको शो कर रही हूँ, अगर आपको इनकेस कुछ भी अच्छा लग रहा है ना, मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है. माई हॉल स्टोर लिंक भी छोड़ूंगी, जहाँ पे आपको एक ही लिंक में सारी ये चीज़ें मिल जाएंगी, इसके अलावा और भी मेरी फेवरेट चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है. तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है ना आज के प्रोडक्ट्स में, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे बाइंग लिंक्स, ठीक है ना. और मत भूलना स्पोर्ट्स मेनिया सेल चल रही है, जो कि 21st अप्रैल से 24th अप्रैल तक है. ओके सो ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, अब आप जल्दी से मुझे किसी ब्लॉग में ऐसे पहने हुए देखोगे गाइस. इसके बाद में मैंने लिया है एक और, ये भी स्पोर्टवेयर ही है, एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लोविया, एक्सल साइज है मेरा, क्योंकि हम जब ट्रैक पैंट पहनते हैं तो ऐसे जिमिंग करते हैं या जिम में जाते हैं या वॉक पे जाते हैं, तो ऐसे टी शर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं सी, और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है, ये काफ़ी अच्छी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना. तो यू कैन ट्राई दिस गाइस विथ ट्रैक पैंट और समथिंग, अगर आप वॉक वगैरह पे जाना पसंद करते हो. और इसके बाद में मैं आपको शो करने वाली हूँ ये वॉकिंग, मैंने कैंपस के बहुत सस्ते में मिल गए मुझे, अभी तो और भी सस्ते होंगे क्योंकि सेल स्टार्ट हुई है ना आज से. ये मुझे मेरे जो मिले, मतलब मैंने सेम मंगवाए हैं, एक अपना साइज़ एक पुरुषा का साइज़, मेरे मुझे मिले थे आई थिंक 400 समथिंग में, 500 से नीचे, और प्रिशा के आई थिंक मूल्य मुझे, क्योंकि उसका एक साइज़ दो तीन साइज़ बड़े हैं, मेरे कुछ 6 UK आता है, उसको 8 UK आता है, तो उसका आई थिंक 520 का था, मेरा 450 या 460 का था. आप सोचो कैंपस के वॉकिंग शूज़ टाइप हैं ये, बहुत ज़बरदस्त हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, तो वॉकिंग के लिए बहुत बढ़िया है. तो सारी चीज़ें मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही मंगवाई हैं गाइस, सो लेट मी शो यू, बहुत अच्छे हैं ये. तो ये देखिए ये प्रिशा वाले हैं, कैंपस के हैं, और पीछे सोल देखो कितना अच्छा है, सोल भी बहुत अच्छा है ना, एकदम ज़बरदस्त. सो ये वॉकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप देखो है ना, वॉकिंग के लिए परफेक्ट. तो ये 8 नंबर साइज़ है,
और मैं आपको मेरा भी दिखा देती हूँ, सिर्फ साइज ही अलग है, बाकी सेम ही है, साइज ही थोड़ा डिफरेंट है बस। तो ये रहा मेरा, ये 6 UK है, सेम ही है। तो अब मैं वॉक शुरू किया हुआ है मैंने, आजकल मैं वॉक पे जाती हूँ गाइज, तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें बाय की हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अभी शॉप पे विवेक के साथ, कुछ लोगों को इनविटेशन देना है कल के लिए और कुछ तैयारियाँ भी करनी है। मैंने एक नया सूट पहना है, मैं अभी आपको बाद में ट्रैपॉड पे लगा के दिखा देती हूँ। चलो अभी दिखा देती हूँ, नहीं तो रह जाएगा तो रह ही जाएगा। तो ये तो ये बहुत ही प्यारा सा सूट है, ये अमेज़न का है ये भी, और ये आपको याद होगा मैंने अपने अभी अमेज़न का एक फ़ैशन हॉल शेयर करा था कुछ दिन पहले, इसी मंथ में, उसमें मैंने इसकी डिटेल शेयर करी है। अगर आप मेरे व्लॉग ध्यान से देखते होंगे ना, तो मैंने ऐसे ही व्लॉग के अंदर ही बताया था और इसका लिंक मैंने नीचे छोड़ा था, बहुत अच्छा है। और मैंने इसके साथ मेरा बैग ले लिया है, आज बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, बहुत एक्साइटेड भी हैं कल के लिए। किसी ने मुझे मैसेज भी करा था कि अक्षय तृतीया है 22 तारीख को, तो जी हाँ, वो बहुत ही अच्छा दिन है आज का दिन, तो आप समझ जाइए। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, कल आपको व्लॉग मिल ही जाएगा, आपको जानने के लिए मिल ही जाएगा। तो बस ये देखिए चलती हुई रोड है, किसी ने ये भी पूछा था चलती हुई रोड है कि नहीं, तो जी हाँ चलती हुई रोड है। और देखिए अब आपका जो शक है वो थोड़ा यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि हम इस वक्त शॉप पर ही हैं, रात के बजे हुए तकरीबन 11:30, और हम कल के प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं जोर शोर से। तो ये डब्बे वगैरह ड्राई फ्रूट्स के भरे जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए हमने बहुत ही सिंपल डेकोर किया, कोई डेकोर तो किया ही नहीं है, बहुत सिंपली इसको कलर करवा के हम चालू कर रहे हैं। मंदिर सजा रहे थे हम लोग, फाइनली मंदिर, ये अंदर कपड़ा वगैरह सब मैंने लगाया है, बट फाइनली मंदिर मैं कल सुबह में सजाऊंगी आके। तो आप समझ लो कि सज गई है हमारी दुकान, सज गई है हमारी शॉप। ये है ड्रॉर्स, ये स्टील का जो काउंटर होता है ना आगे वाला, जहाँ पे विवेक बैठेंगे, ये वो काउंटर है, ये भी बन के आ गया है। काफ़ी कॉस्टली बना है, इस काउंटर की कॉस्ट बोलूँ तो ये 22,000 या 25,000 का सिर्फ काउंटर ही बना है। मैं बाहर से दिखाती हूँ आपको। तो ये शॉप देखो कलर होके कितनी अच्छी लग रही है ना। और बस हम रात को तकरीबन 1 बजे तक यहीं पे थे गाइस, सब काम कर रहे थे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने किया ओपनिंग। सो ओपनिंग का व्लॉग आपको कल मिल जाएगा। लव यू, टेक केयर।